राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसएस से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, आज का कोड फोर्सेस का पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको एक नंबर दिए रहेंगे, नंबर दिया रहेगा एन, और आपके पास एन नंबर दिए रहेंगे, उसके बाद जो नंबर का रेंज होगा 1 से लेकर n तक में अगेन। और आपको क्या करना है, आपको एक ऑपरेशन करना है, उस ऑपरेशन में आपको एक सेगमेंट सिलेक्ट करना है, राइट। उस सेगमेंट को आपको रिवर्स करना है, मतलब रिवर्स ऑलरेडी आप सब जानते होंगे। और ये जो नेक्स्ट परम्यूटेशन आपका बनेगा, जो भी आप ऑपरेशन करने के बाद परम्यूटेशन बन रहा है, वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट होना चाहिए। आफ्टर डूइंग वन सच ऑपरेशन जो आप कर सकते हो, वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार मैं बात करूँ कि लेक्सिकोग्राफिकली क्या होता है, तो जैसे कि आप सबको पता होगा डिक्शनरी में जो सबसे पहले आएगा ना, वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर होगा। जैसे कि ए बी से पहले आएगा, तो ए इज लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर देन बी। ए ए जो है वो ए बी से पहले आएगा, तो इसी तरीके से मतलब होता है लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर स्मॉलेस्ट, जो भी कह लो। तो आफ्टर डूइंग वन सच ऑपरेशन जो आपका परम्यूटेशन आना चाहिए, वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट आना चाहिए जो पॉसिबल हो, आफ्टर डूइंग दिस ऑपरेशन फॉर वन टाइम। आपके पास ये जो ऑपरेशन करना है ये ऑप्शनल है, मतलब आप नहीं चाहो तो नहीं भी कर सकते। जैसे कि अगर मैं आपको टेस्ट केसेस दिखाऊं, तो यहाँ पर आप देखो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर आप इसमें किसी भी सेगमेंट को सिलेक्ट करके अगर आप रिवर्स कर दोगे, तो ये लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर नहीं होगा, वो उसे इंक्रीज ही करने वाला है, राइट। 1 2 3 4 5, मतलब ये सब सॉर्टेड ऑर्डर में, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इससे छोटा बना ही नहीं सकते। तो उस केस में आप एज इट इज रिटर्न करा दो, आप किसी को भी कुछ करो ही नहीं। उसके बाद इस एग्जांपल पे आते हैं, यहाँ पर हमारा परम्यूटेशन दिया हुआ है 1 4 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस सेगमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको रिवर्स कर देता हूँ 1 2 4 3, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट नंबर वी कैन गेट आफ्टर डूइंग दैट ऑपरेशन, रिवर्स ऑपरेशन वन नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, आप चाहो तो इधर 3 लाने का भी आप सोच सकते हो, पर आप एक ही बारी ऑपरेशन कर सकते हो, एंड दिस इज द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट यू कैन क्रिएट। इस एग्जांपल में अगर आप आओ तो 2 1 3 दिया हुआ है, इसमें इस सेगमेंट को सिलेक्ट करके मैं रिवर्स कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3, और ये लेक्सिकोग्राफिकली तो ये स्मॉलेस्ट बन चुका है, तो दिस इज द बेस्ट वी कैन डू। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, वेल इस क्वेश्चन में एक चीज आपको बहुत अच्छा दिया हुआ है कि आपको जो नंबर्स होंगे ना, वो 1 से लेकर n तक ही होंगे। जैसे कि अगर मैं n का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो मैं आपके पास नंबर्स होंगे 1 2 3 4, ठीक है। अगर आपके पास n का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो आपके पास नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5, मतलब इसी तरीके से नंबर होंगे आपके पास, राइट। आपको ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है, कैसे एक बार मैं बात करता हूँ। जैसे इस एग्जाम्पल में अपन आते हैं, एन का वैल्यू क्या है 3, तो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट आपके पास क्या नंबर हो सकता है 1 2 एंड 3, पर आपके पास जो नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 1 3। वेल आप लेक्सिकोग्राफिकली जब स्मॉलेस्ट करने की कोशिश करोगे, तो आप क्या कोशिश करोगे कि आपका जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे पहले आना चाहिए। वेल सबसे छोटा नंबर आपका ये 1 है और ये सेकेंड में आ रहा है, ये बात मतलब सही नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप सिलेक्ट करके इसको स्वैप करोगे एज, मतलब इस तरीके से कि जो आपका लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर है वो सबसे आगे आ जाए 1 2 3, ठीक है। और दिस इज द बेस्ट यू कैन क्रिएट। अब फर्दर आगे बढ़ते हैं, जैसे इस एग्जांपल पे आते हैं 1 4 2 3, मेरे पास नंबर कौन कौन से हैं 1 2 3 4, और आपको ये परम्यूटेशन दिया हुआ इन सारे नंबर्स का, ये ठीक है। तो मेरा सबसे पहला कोशिश क्या होगा कि लेक्सिकोग्राफिकली जो स्मॉलेस्ट है वो सबसे आगे आना चाहिए। वेल वो तो सबसे आगे है, इसके लिए आपको सोचना नहीं। फिर लेक्सिकोग्राफिकली जो सेकंड स्मॉलेस्ट है वो सेकंड पे आना चाहिए। वेल यहाँ पर ये डिफरेंस है, यहाँ पर ये डिफरेंस है, आपका लेक्सिकोग्राफिकली जो सेकंड पे आना चाहिए था वो तो सेकंड पे है नहीं, तो यहाँ से आप ब्रेक कर जाओ। अब आपका क्या करना है कोशिश कि देखो फर्स्ट स्मॉलेस्ट तो अपने जगह पे है, नाउ सेकंड स्मॉलेस्ट जो है वो यहाँ पर आना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ से ब्रेक कर चुके हो, आप सेकंड स्मॉलेस्ट को खोजोगे, और जहां पर आपको सेकंड स्मॉलेस्ट मिल जाएगा उसको इस एलिमेंट से, इस इंडेक्स से आप कर दोगे स्वैप, मतलब रिवर्स कर दोगे, और दिस इज द बेस्ट यू कैन गेट, ठीक है। अब आप इस तरीके से सर्च करते चलोगे, जैसे इसी एग्जांपल में अगर अपन आ जाए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ना आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं और 5 एलिमेंट्स आपके इसी ऑर्डर में दिए हुए, तो आप सोचोगे कि सबसे पहले मैं सबसे छोटा नंबर को रखूँ
वो है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड पे सेकंड स्मॉलेस्ट आना चाहिए, वो भी है ऑलरेडी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थर्ड पे थर्ड स्मॉलेस्ट आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ फोर्थ पे फोर आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फाइव पे फाइव आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब आप एरे को पार कर जा रहे हो, पर आपको कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं मिल रहा जहां पर उस इंडेक्स का लेक्सिकोग्राफिकली नंबर आना चाहिए। तो इसका मतलब कि ऑलरेडी सॉर्टेड है, आप उसको, आपको उसमें कुछ नहीं करना है। तो बस यही सारा पॉइंट है, आप क्या करो, एरे पे ट्रेड करते जाओ, और अगर आईएथ इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वो आई प्लस वन के इक्वल नहीं है, जैसे कि ये जीरो वेस्ट इंडेक्सिंग फॉलो करता है, 0, 1, 2, 3, यहाँ पर आईएथ इंडेक्स पे आई प्लस वन एलिमेंट है क्या? यस है। यहाँ पर आईएथ इंडेक्स पे आई प्लस वन एलिमेंट है क्या? आई प्लस वन क्या हो जाएगा? 2, पर यहाँ पर है 4, इट इज नॉट इक्वल टू 2। तो यहाँ पर से आप ब्रेक कर जाओगे, उसके बाद आप सर्च करोगे, आप 2 को खोजोगे, और जहां पर से आपको 2 मिलेगा, आप इस इंडेक्स से आप उसको स्वैप कर दोगे। तो ये बहुत ही सिंपल है, बस इसके बाद तो इम्प्लीमेंटेशन रह जाता है। तो आपको मैं एक बार दिखाता हूँ कैसे मैंने इम्प्लीमेंट किया है। अगेन आप इसको खुद से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इस तरीके का क्वेश्चन हमने मैथ्स वाले प्लेलिस्ट में भी किया, इसे बहुत हार्ड क्वेश्चन था ऑलरेडी, वो नेक्स्ट परमुटेशन आपको प्रिंट करना था। तो वेल, ये है मेरा कोड। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो मैंने n एलिमेंट्स इनपुट ले लिया है वेक्टर में अपना, उसके बाद मैं देखूंगा कि कौन सा एलिमेंट है जो मेरा लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में फॉलो नहीं कर रहा है, सबसे पहला ऐसा एलिमेंट। और जब भी मुझे ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा, ai इज नॉट इक्वल टू i प्लस 1, तो वहां पर मैं सर्च एलिमेंट वहां पर कर दूंगा कि हाँ, ये वाले इंडेक्स पर जो एलिमेंट होना चाहिए था वो नहीं है, तो अब मुझे उसको खोजना है। तो उसको मैं सर्च में स्टोर कर लूंगा, और वेल इसके लिए मुझे स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा? जो भी मैं रिवर्स करूंगा, तो रिवर्स के लिए सेगमेंट का स्टार्टिंग कहाँ होगा? ये ith इंडेक्स से स्टार्ट होगा, और यहाँ से मैं ब्रेक कर दूंगा लूप को, राइट? अगेन कोई चलने का मतलब नहीं है। अगर सर्च एंड होते होते तक मैं सर्च एलिमेंट मेरा कुछ मिला ही नहीं, मतलब हर एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड पोजिशन पे थे, तो मुझे वहां पर कुछ नहीं करना, कुछ भी ये रिवर्स ऑपरेशन नहीं करना, मैं सीधा सीधा सी आउट करा दूंगा एरे को एज इट इज। और इनकेस अगर सर्च एलिमेंट जो है वो मेरा माइनस वन नहीं है, तो इसका मतलब कहीं पर तो ऐसा गड़बड़ हुआ है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं अब एक सेगमेंट को रिवर्स करने वाला हूं, तो वो सेगमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिल चुका है यहां से, राइट? अब एंडिंग पॉइंट को खोजेंगे, एंडिंग पॉइंट क्या होगा? वेल, वो एलिमेंट, वो इंडेक्स जहां पर हमें वो सर्च एलिमेंट मिल जाए, तो उसको हम खोजेंगे और उसको स्टोर करेंगे लास्ट में, और फिर अगेन हम यहां से ब्रेक कर जाएंगे, उसके बाद हम रिवर्स कर लेंगे अपने वेक्टर को, और वेक्टर के भी पर्टिकुलरली उसी सेगमेंट को। और इसके लिए मैंने ये लिखा है ए डॉट बिगिन से स्टार्ट से लेके लास्ट प्लस वन। पहले एक तरीका होता है, आपका जो भी इंडेक्स तक आपको करना है काम, उसके एक बाद तक आप देते हो एंड पॉइंट में, रिवर्स करने में या फिर सॉर्ट करने में। ये सब STL के बेसिक्स है, मुझे उम्मीद आपको पता होगा। और उसके बाद जब आपका वो सेगमेंट रिवर्स हो चुका है स्टार्ट से लेके लास्ट तक का, तो आप उसके बाद एरे को आउटपुट करा दोगे। सो दैट्स इट फॉर नाउ, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। अगर ये क्वेश्चन में डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो, और कोई भी डाउट होगा तो हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने का। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।